अस्सलाम वालेकुम। खाली है दाल? अच्छा जूतियां भी नाल तस्बीहां पढ़ देना, दुआवां पढ़ दे, मैनूं लगदा गायब ही ना हो जाए किसी ने। जी ये हमारा यहाँ पर जो है ना वो तैयारी चल रही है, बारबेक्यू। रिजवान भी बारबेक्यू होता है, क्या होता है? बीबीक्यू ला तुसी वखरी। बोल साहब ट्राई दिस वन। यार ये तो हमने दो नहीं मंगाए थे? दो है ना। तो ये चोर कमरा है जहाँ पर बैठ के जो है ना वो नहीं दो सक भर लूँ मैं कैसे? ये इज्तिमाई पैसा सर। ये देखें जी कितना खूबसूरत माहौल है, सादान है। ये देखें जी कितना, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप कहाँ, आपका ताल्लुक कहाँ से है जी? एबटाबाद से। और ये हमारे अमीन भाई, ये कौन सी लाश पड़ी है? 309 साल बाद तुझे। ये है हमारी असल ऑडियंस। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। कोर मेहमान आ गए हैं ना अवैस भाई। अवैस भाई आप की क्या आजकल मसरूफियात है जी? आजकल बस एक शादी से वापसी हुई है। आप तो अक्सर शादियों से आ रहे होते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हमने चार प्रपोजल तैयार किए हैं शादी के लिए, वैकेंसीज खाली हैं। आपकी वैकेंसी फुल है या खाली है? नहीं इरादा है, एक वैकेंसी खाली है। ये मैं भाभी को भी लिंक भेज दूंगा। हाँ, जरूर भेजिएगा। मॉडलिंग शॉडलिंग भी करते रहे हैं? मॉडलिंग की है 2013 और 2015 में। 15, दो साल ऑलमोस्ट फैसलाबाद में रहे हैं। लाहौर में। किसके साथ किया आपने काम? रिजी शाह के साथ और फावर रियाज के साथ। अच्छा खैर हो गई। लो जी आपको वो जो दूसरा नहीं नहीं छापा उत्तो छापा में आ गया उत्तो नहीं। अच्छा आज हमारे जो मेन हमारे जो यहाँ पर इस पूरे इवेंट को क्रिएट करने वाले होस्ट हैं वो है रिजवान मलिक साहब, आपके सामने खड़े हैं। तो ये एक पूरी टीम है जी। चौधरी मुजाहिद साहब है हमारे बड़े भाई, हमारे सरप्रस्ते आला है सारे इवेंट के। ये सारी रौनक सारा सेहरा जो इनके सर पे है, इनके सर पे ताज है सारे मामले का। इनकी बरकत है सारी, लिटरली ये इनकी बरकत से ही सारा मामला है जी। ये मतलब चौधरी साहब की बरकत से सारा। ये हमारे भाई तशरीफ लाए हैं जी चिन्योट पकवान से, और चिन्योट पैलेस चिन्योट पकवान एक एक्टिविटी पूरी जो ये होस्ट कर रहे हैं बेसिकली। और सेकेंडली होता भी यही है कि ये जब भी हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आती है जरक भाई खासतौर पे बारबेक्यू के हवाले, फूड क्वालिटी के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, और एक्टिविटी जनरेशन के हवाले से, कैटरिंग में किसी भी साइड से कभी भी हमें मायूस नहीं करते, हमेशा दे गिव अस बेस्ट फूड। मेन्यू में क्या गया जी आज? मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी है जी। रेशमी कबाब है जबरदस्त। अच्छा एक और आप एक और अच्छा इमली की चटनी है। अच्छा इमली की चटनी तो इमली की चटनी के लिए हमारे पास वो है। इमली की चटनी आपके लिए ऑर्डर कर दिया, इमली की चटनी ऑर्डर किया आपके लिए। एक और डिश है जी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट तो उसमें शामिल नहीं है। नहीं ऊद तो नहीं है। जी बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल है 100% और इसको बल्कि खलूस से बनाएगा। और ये मेरी उस्मान बेग की चाट, उस्मान की चाट।